हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका हमारे चैनल द स्पीडी स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ेंगे। कल जो आपको होमवर्क दिया गया था उसमें क्वेश्चन नंबर 13 था, इसलिए आज हम लोग 14 पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। हम पढ़ रहे हैं क्या लिखा है। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, सी हैज अ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन रूपी 100, रूपी 50 एंड रूपी 10 रिस्पेक्टिवली। The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is rupee 4 lakhs. How many notes of each denomination does she have? हिंदी में है, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रुपए में 100 रुपए, 50 रुपए व 10 रुपए वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो देखिए, हमको रेशियो दिया गया है। क्या दिया गया है? रेशियो दिया गया है 2:3:5। तो हम उसी रेशियो को ही क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि माना नोटों की संख्या बराबर 2x, 3x और 5x है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख करेंगे, तो लिखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन रहेगा यहाँ पर। लेट लेट देखिए कह रहा है कि 2x 2:3:5, तो वही हमको मानना है कि लेट दी नंबर ऑफ नोट्स बी क्या होंगे। मैंने कहा जो रेशियो दिया गया ना, रेशियो के साथ कोई भी वेरिएबल जोड़ दीजिए, मींस क्या हो जाएगा, 2x, 3x और 5x हो गया। यानी कि माना नोटों की संख्या, माना नोटों की संख्या बराबर कितनी है, 2x, 3x और 5x। ठीक है, माना नोटों की संख्या बराबर कितनी है, 2x, 3x और 5x है। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या राइट करेंगे, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन रिकॉर्डिंग क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, सी हैज अ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस 100, 50 एंड 10। दिया क्या है, 100, 50 एंड 10, और रेशियो देखिए 100 है, 50 फिर 10 और रेशियो 2:3:5, मींस 100 रुपए के जो नोट है वो 2x है, 50 रुपए के नोट 3x है और 10 रुपए के नोट 5x है। तो आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलने की बात चलेंगे, कहां पर क्या लिखेंगे, 2x। अब ये बताइए, जो हमारा ये रेशियो 2:3 दिया गया, किसका रेशियो, तो ये 100 का रेशियो है ना, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें, 100 से 100 into 2x प्लस। अब क्या करेंगे, देखिए प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी लक्ष्मी के पास पैसा है ना, जितना लक्ष्मी के पास पैसा है सारा मिलाकर, यानी 100 रुपए के जितने नोट हैं, 50 रुपए के जितने नोट हैं, 10 रुपए के जितने नोट हैं, सारे रुपए को अगर हम क्या कर ले, सारे रुपए के नोटों को ऐड कर देते हैं, लक्ष्मी के पास जितने पैसे हैं वो सारे अगर ऐड कर दिए जाए, जोड़ दिए जाए, तो 4 लैक्स के इक्वल आ जाता है। कितने के, 4 लैक्स के इक्वल आ जाता है। तो मतलब हमको ये पता होना चाहिए कि 100 रुपए के कितने नोट हैं, और फिर 50 रुपए के कितने नोट हैं, और फिर 10 रुपए के कितने नोट हैं, पता होना चाहिए। यही निकालना भी हमें, फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या निकाल लें, कि हम देखें कि पहले हमारे पास जो 100 रुपए के नोट है उसका रेशियो कितना है, फिर 50 रुपए के नोट का रेशियो कितना है, फिर 10 रुपए के नोट का रेशियो कितना है। जिससे अगर मान लीजिए आपके पास, मैंने कह दिया कि आपके पास 100 रुपए के 5 नोट है, तो आपके पास कितने रुपए है, 100 into 5 कर देंगे आप लोग, 500 बोलेंगे। अगर हम कह दें आपके पास 50 रुपए के 10 नोट है, तो आपके पास कितने नोट हुए, 50 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 500 हुआ।
तो ऐसे ही सेम यहाँ पर भी करना है, बिल्कुल चेंजेस नहीं करनी है कोई भी। तो वैसे ही देखिए नोट कितने कितने के हैं, 100 के हैं। अब 100 रुपए के कितने नोट है, 2x नोट है, प्लस 50 रुपए के कितने नोट है, 50 रुपए के कितने नोट है, 3x है, और प्लस फिर 10 रुपए के कितने नोट है, 10 रुपए के 5x नोट है। ये टोटल कितने के इक्वल है, 4 लैक्स के। आया समझ में? अब चलते हैं, 100 टू जा 200x, प्लस 53 जा 150x, प्लस 10 5 जा 50x इक्वल 4 लैक्स। ठीक है, ये हो गया। तो 200 प्लस 100 300, 50 और प्लस 15 400, कितना हो गया, 400x इक्वल 4 लैक्स। ये हो गया। अब चलते हैं आगे, तो x से x हो जाएगा इक्वल इक्वल 4 लैक्स। ये 400 और x के बीच में कौन सा साइन है, कोई साइन नहीं है, तो कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। तो ये इधर जाएगा, किस में जाएगा, अपान हो जाएगा 400। ठीक है, चलते हैं काटते हैं। तो 4 लैक्स अपान 400, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 3 0 3 0 राइट कर लिया, यानी हो जाएगा यक्स इक्वल 1000। ठीक है, अब हमारी वैल्यू किसकी आई, यक्स की वैल्यू आई है ना, वैल्यू किसकी आई, यक्स की आई है। लेकिन यक्स की वैल्यू तो आ गई, पर हमें निकालना क्या था, निकालना है हमें नम, कह रहा है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी नोट ईच डिनोमिनेशन सी है, कितना नोट है, मतलब 100 रुपए के कितने नोट्स है, 50 रुपए के कितने नोट्स है, 10 रुपए के कितने नोट्स है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेंस कॉमन नंबर ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ हेंस नंबर ऑफ डिनोमिनेशंस ऑफ 100 रुपी नोट्स, तो इक्वल कितना हो जाएगा, 100 रुपी, मतलब 100 रुपए वाला मैंने कहा था क्या कि 100 का जो है ना वो 2x है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 2x, यानी 2x का मतलब 2 × 1000, यानी कितना हो गया 2000। तो यहां इसलिए ₹100 के नोटों की संख्या बराबर 2x, तो बराबर 2 × 1000 बराबर 2000 रुपए, है ना, सॉरी 2000 नोट, कितना हो गया। अभी देखिए एंड द नंबर ऑफ डिनोमिनेशन आप बताओ, 100 के बाद कितने रुपए, 50 रुपी नोट्स। ठीक है, मींस 50 रुपए के नोटों की संख्या, तो बराबर कितना हो जाएगा, तो 50 रुपए का मतलब 3 × x हो गया 3x, तो बराबर 3 × x मतलब कितना, 1000, तो कितने नोट हो जाएंगे, 3000 नोट हो जाएंगे। अब लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ डिनोमिनेशंस ऑफ रूपी 10 नोट, मतलब 10 रुपए के नोटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा,
तो 5 years है ना, 5 years मतलब 5 into 1000 means कितना हो जाएगा 5000। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। ये आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, यहाँ आपका हो गया आंसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर आपको देखना है कि क्या हमारा ये क्वेश्चन सही है या गलत, तो आप इसको भी देख सकते हैं कि 3000, देखिए 2000 इंटू क्या कर लीजिए 100, 2000 इंटू 100 करिए तो कितना आ जाएगा 2 lakhs आ जाएगा। ठीक है, 3000 इंटू 50 कर लीजिए तो ये हो गया 1,50,000। और 5000 को 10 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 50,000। इसको ऐड कर लीजिए, अगर ये पूरा ऐड करने पर आपका 4 lakhs हो जाए, जान लीजिए सही है। तो देखिए 0 0 0 और यहाँ हो गया आपका 5 5 10 कैरी 1 2 1 3 और 1 4 4 lakhs हो गया आपका। तो ये आपका होगा कितना 4 lakhs। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर कैसा है, सही है, आंसर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे आप आंसर भी अपना चेक कर सकते हैं बिना आंसर स्लिप देखे हुए। आपको आपके पास मान लीजिए बुक नहीं है, आप नहीं समझ पा रहे हैं आंसर कैसे देखना है, तो आप आंसर ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं कल, तब तक आप पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक करना ना भूला करिए। थोड़ा वीडियो को लाइक भी करिए जिससे कि हमें भी लगे कि हाँ बच्चों को देखने में अच्छा लग रहा है, बच्चे समझ रहे हैं क्वेश्चन को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।